अ वेरी वॉम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 13th of October 2022, 13 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एज वेल एज दिस वीडियो इज बायलैंग्वल। इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज में कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइंड। आपकी बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज इन्फ्लेशन रेट है, वो हर मंथ आपको देखते जा रहे होंगे, आप लोग सब देख रहे होंगे कि दैट इज़ इन्फ्लेशन रेट वो बढ़ता जा रहा है, और ना ही केवल हमारी कंट्री में बल्कि सारी कंट्री में, ठीक है। ग्लोबली इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और हमारी में अगर बात करें तो इन्फ्लेशन रेट है ये 7.41% तक इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, और ये हाइएस्ट रहा है अप्रैल के बाद, ये हाइएस्ट रहा है, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 8.41% के आंकड़े हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इट इज़ हाइएस्ट इन 22 मंथ, ठीक है। तो 22 मंथ के बाद ये हमें आंकड़े इतने बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन रेट हमारी कंट्री में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ओके, और ये ना ही केवल इंडिया की प्रॉब्लम है बल्कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है वॉर का, रशिया और यूक्रेन वॉर का, उसकी वजह से भी और कुछ अदर रीजन से उसकी वजह से भी। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, होप यू गॉट क्लैरिटी ओवर देयर, ठीक है। सो आपको अगर कोई भी डाउट होता है आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लेट मी प्लीज आस्क मी ओवर देयर, ठीक है। तो आप कुछ भी मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, होम मिनिस्टर अमित शाह टू लॉन्च हिंदी वर्जन ऑफ फर्स्ट ईयर MBBS बुक ऑन 16th of October, ठीक है। तो 16 अक्टूबर को MBBS की पहले ईयर की जो बुक्स होंगी वो हिंदी वर्जन में होंगी, ये हमारे किसने नोटिफाई किया है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नोटिफाई किया। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मदर टंग को प्रमोट करने की बात की गई है। ऑफ कोर्स आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होगी कि अगर आप MBBS की जो डिग्री लेंगे, आपकी जो MBBS की जो डिग्री है वो आप MBBS जो स्टडी करेंगे वो आपकी हिंदी वर्जन में होंगी। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है दैट दिस इनिशिएटिव वुड चेंज माइंडसेट एंड प्रूव दैट वन कुड प्रोग्रेस इन लाइफ इवन आफ्टर बींग एजुकेटेड इन हिंदी मीडियम। ही सेड द मूव्स वुड मेक द स्टूडेंट फील प्राउड ऑफ देयर मदर टंग। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं आपको बोला कि एक भारतीय होने के नाते आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होगा कि आप MBBS की स्टडी किस में कर रहे हैं, हिंदी वर्जन में कर रहे हैं। ओके, अगेन इट्स वेरी बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव है बाय आर यूनियन होम मिनिस्टर, जो कि बहुत ही सराहनीय है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखते हैं क्या कुछ अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दैट NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट पे इम्पोज किया है फाइन, 900 करोड़ का फाइन इम्पोज किया गया है फॉर not removing 3 crore metric tons of undisposed waste, ठीक है। तो undisposed waste को यहाँ पर नहीं हटाया गया है in the city landfills, वहाँ से नहीं हटाया गया है। इसके लिए National Green Tribunal ने दिल्ली गवर्नमेंट पे 900 करोड़ का फाइन इम्पोज किया है। इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, ऑफकोर्स आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि 900 करोड़ का फाइन इम्पोज किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर बाय NGT फॉर नॉट रिमूविंग 3 crore metric ton ऑफ अनडिस्पोज्ड वेस्ट, ठीक है। सो आपको नॉलेज के लिए याद रखना है, ऐसे आगे आने वाले में पता चलता है क्रिटिक्स बन जाते हैं ये सब, ठीक है, तो उसको हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ तमिलनाडु से आ रही है दैट तमिलनाडु नोटिफाइज इंडियाज फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी की बात की गई है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ठीक है, और इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ये करूर और दिंदुगुल डिस्ट्रिक्ट में ये यहाँ पर ये लाई करते हैं, ठीक है, और ये लगभग यहाँ 11,806 हेक्टर का एरिया है, ठीक है, किसका, यहाँ पर एक सेंचुरी है जिसका नाम लिख लीजिएगा कदवूर लेंडर लॉरिस सेंचुरी, ठीक है, कदवूर लेंडर लॉरिस सेंचुरी है यहाँ पर, जो कि 11,806 हेक्टर एरिया में फैला हुआ है इन करूर एंड दिंदुगुल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये एक स्मॉल नॉक्चर्नल मैमल्स है, ऑफकोर्स ये ज़्यादातर अपनी जो लाइफ है वो आपको ट्री में बिताते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो IUCN का जो स्टेटस है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, में कहाँ पर किस में ये लाई करती है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में ये लाई करती है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख लीजिएगा द स्पीसीज एक्ट एज अ बायोलॉजिकल प्रीडेटर ऑफ पेस्ट, ठीक है, इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है।
तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो स्पीसीज है, एक मिनट कहाँ चला गया, लेट मी चेक इट, हाँ ऊपर चला गया। या हाँ, तो जो यह जो स्पीसीज है, इट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल प्रीडेटर ऑफ पेस्ट इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड बेनिफिट फार्मर्स। ओके, तो फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जैसा कि मैंने आपको बताया आयुशियन में ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ओके, स्लेंडर लॉरिस हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल रोल्स इन टेस्ट्रेरियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो एक इम्पॉर्टेंट रोल की बात की गई है कि यहाँ पर एक इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ओके, और जो सर्वाइवल है इस स्पीसीज का, जो स्पीसीज का जो सर्वाइवल है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन हैबिटेट इम्प्रूवमेंट, कंजर्वेशन एंड मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो सर्वाइवल है ये ज़्यादातर डिपेंड करती है हैबिटेट इम्प्रूवमेंट पे, कंजर्वेशन एंड मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स पे। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर आपको याद रखना है स्लेंडर लॉरिस जो एक नाम की स्पीसीज है वो न्यूज़ में थी, और ये तमिलनाडु से, ज्यादातर ये इंडिया में ही पाए जाते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट वन। यहां पर हम आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, एडिटोरियल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। ओके, क्रिटिकल मतलब कि एक्सप्लेनेशन में क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। कॉलेजियम जो सिस्टम है वो आप सबको पता है दिन प्रतिदिन वो न्यूज में ही रहते हैं, ठीक है, तो हम ऑफकोर्स कॉलेजियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बहुत बार हमने पढ़ा है कि ये क्रिटिक्स हो गया, जजेस को उसके सीनियरिटी पे अपॉइंट नहीं किया गया, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, इसमें नेपोटिज्म है, बहुत सारी कॉलेजियम सिस्टम में यहाँ पर इसकी कमियाँ बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, ठीक है। बट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या, ठीक है, इसके थ्रू होता क्या है, और ये न्यूज़ में क्यों रहता है, ठीक है, और इसमें क्या कुछ फॉल्ट्स है, ये भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आप जो कि आपको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम हमेशा न्यूज़ में रहा है, ठीक है, क्रिटिक्स को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बाकी हम जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो कॉलेजियम सिस्टम है क्या और ये कैसे बना, ठीक है, पहले आपको यह जानने की ज़रूरत है कॉलेजियम सिस्टम है क्या, इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू जो जजेस होती हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। आपने सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम, आप पढ़े भी होंगे कि इसके थ्रू क्या होता है, जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, उनकी ट्रांसफर्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों ना हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जज क्यों ना हो, ठीक है, सारे जितने भी जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रांसफर इसी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। ओके, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ये कोई ना ये ना कोई एक्ट है, ठीक है, ये बट ये कोई भी ये ऐसा कोई एक्ट नहीं है, ठीक है, ये एक मात्र प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ये मात्र एक क्या है प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसकी इवोल्यूशन को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारी जजमेंट भी बैठी थी, ठीक है, 1981 की बात करूँ तो फर्स्ट केस जजमेंट यहाँ पर बैठी थी, ठीक है, 1993 में सेकेंड जज केस यहाँ पर बैठा था, ठीक है, और 1998 में थर्ड जज केस यहाँ पर बैठा, और तीनों जज केस में यहाँ पर तीनों जज केस के बाद यहाँ पर फाइनली को बनाया गया कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिएगा, तीन जज केस हुए थे, कौन कौन से, 1998, 1993 और 1981। ओके, तीन जज केसेस के बाद यहां पर कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और जिसमें बताया गया कि 5 मेंबर की बॉडी होगी, जिसमें CJI और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, इसमें 5 मेंबर रहते हैं, पांचों में कौन कौन है, एक CJI होंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे इसके अंदर, ठीक है। सो इसको लाया गया, कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया आफ्टर थर्ड जज केस 1998 के बाद। नाउ इस सिस्टम को हेट करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना, अभी कोई ना कोई सिस्टम बनाया गया है, कोई बॉडी बनाई गई है, तो उसको हेट करने के लिए भी ऑफकोर्स किसी ना किसी को तो होना पड़ेगा, नहीं तो वो पता नहीं ऐसी चलती रहेंगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो कॉलेजियम सिस्टम है ये इसको कौन हेड करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको हेड करते हैं, एंड कंप्राइज 4 other senior most judge ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो ना केवल सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बल्कि 4 more और सीनियर मोस्ट जज है वो इसको क्या करते हैं, हेड करते हैं, ठीक है। एंड हाई कोर्ट कॉलेजियम इज लेड बाय इट्स चीफ जस्टिस एंड 4 other senior most judge, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है वो CJI और 4 senior most judge वो लीड करते हैं, ठीक है, हेड करते हैं, और जो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो किसके वो कौन लीड करता है, चीफ जस्टिस लीड करते हैं एंड 4 other senior most judge ऑफ दैट कोर्ट, ठीक है, तो उस कोर्ट के 4 most senior judge उस कोर्ट को कॉलेजियम को लीड करेंगे। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट
फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और मोस्ट सीनियर मोस्ट जज उसको क्या करेंगे, हेड करेंगे, और हाई कोर्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चीफ जस्टिस और उसी कोर्ट से चार मोस्ट सीनियर जज। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाइए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर प्रोसीजर फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, सबके लिए अलग अलग प्रोसीजर हैं। ठीक है, ये सब आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में कि सीजीआई के लिए क्या अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सीजीआई एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं या फिर जो सीजीआई हो गया, इनको कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। एज फार एज द सीजीआई इज कंसर्न, द आउटगोइंग सीजीआई रिकमेंडेड हिज सक्सेसर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अभी आज के डेट में हमारा सीजीआई कौन है, ठीक है, यूयू ललित जी हैं। ठीक है, वो 49th सीजीआई हैं और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है किसके, ठीक है, 50th सीजीआई, ठीक है, 50th डीवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो उनको बोला है कि ये बनने वाले हैं नेक्स्ट सीजीआई। तो जैसे ही ये बोलते हैं ना, इनका रिकमेंडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनका रिकमेंडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितनी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती हैं रिगार्डिंग सीजीआई, ठीक है, तो ये इनके रिकमेंडेशन के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट के जो जितनी भी प्रोसेस होती है वो इनके रिकमेंडेशन के बाद स्टार्ट होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए यहाँ पर कुछ बताए गए हैं। ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स हैं। फॉर द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रपोजल इज इनिशिएटेड बाय द सीजीआई। ठीक है, तो सीजीआई के द्वारा प्रपोजल इनिशिएट किया जाता है फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, नाउ यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें हैं उसको बताया गया है। एंड द हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसके लिए भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे इज अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड एंड रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हाई जो चीफ जस्टिस होंगे किसके, हाई कोर्ट के, ये किसके किसके बेसिस पर अपॉइंट होंगे, ये पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट की पॉलिसी पे इनको अपॉइंट किया जाएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताना जरूरी था। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ यहां पर क्रिटिक्स क्या है वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम आपको मैंने बताया कि ये फेल होता जा रहा है, इसमें हमें बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही है। ये मेरा कहना नहीं है, बहुत सारी रिपोर्ट ऐसा क्लेम करती है कि इसमें नेपोटिज्म के चांसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ओन मेड डिसीजन है, समझिए कि लगभग लोग खुद ही रूल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ऐसी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर इसमें निकल के आती हैं। ठीक है, तो एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को प्रपोज किया गया था। ये एक प्रपोजल बॉडी है, एक प्रपोज्ड बॉडी है, और विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। ठीक है, लीगल ऑफिसर्स, चाहे वो लीगल एम्प्लॉय हो गया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये क्या है, प्रपोज्ड बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, लीगल ऑफिसर्स एंड लीगल एम्प्लॉय अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, द कमीशन वॉज एस्टैब्लिश बाई अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में आया था और इसी के थ्रू इस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, बाई अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और 2014 में इसको पास्ट किया गया बाई द लोकसभा ऑन 13th of August 2014। ठीक है, और राज्यसभा में इसको 14th August 2014 में इसको पास किया गया। ठीक है, नाउ ये बताती है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स क्लेम करती है और मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में, दैट NGAC है, इट वुड हैव रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज एज इन्वोक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय जुडिशियल फ्लैट बाय अ न्यू सिस्टम। ठीक है, इट वुड हैव रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा था कि इसका एक अल्टरनेटिव, कॉलेजियम सिस्टम का एक अल्टरनेटिव आ गया है, ये कॉलेजियम सिस्टम को रिमूव कर सकता है। बट आफ्टर दैट ये यहाँ पर क्रिटिक्स होने लगी अगेन, अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट Commission Act 2014 was also passed by the Parliament of India to regulate the function of National Judicial Appointment Commission. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको बस ऐसे ही पास कर दिया गया। ठीक है, इसको पार्लियामेंट में भी इस चीज को पास किया गया। ठीक है, और ये जब बिल पास किया गया था फाइनली 2014 में इसको एक्ट बनाया गया। ठीक है, द NGAC बिल एंड Constitutional Amendment Bill was rectified by 16th of the state legislature in India and subsequently assessed by the President of India Pranab Mukherjee on 31st of December 2014. ठीक है, तो 31 दिसंबर 2014 में क्या हुआ, इस बिल पे असेंट दिया गया बाय ऑनरेबल जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा इसमें अप्रूवल दिया गया। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जो NJAC था यह बन गया क्या, एक्ट, बिल
बिल ऑफ कोर्स पास बनने के बाद क्या होता है, वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 13th of April 2015, ठीक है। तो 13 अप्रैल 2015 के बाद ये फोर्स में आया। और यहाँ पर ये देखिए 16 अक्टूबर 2015 पे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाई अ 4:1 मेजोरिटी अपहेल्ड द कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। तो लगभग 4:1 की जो मेजोरिटी है ये क्या कर दी, ये अपहेल कर दी कॉलेजियम सिस्टम को एंड स्ट्रक डाउन द NGAC एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल आफ्टर हियरिंग द पिटिशन फिल्ड बाय द सेवरल पर्सन एंड बॉडीज विद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एज रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बींग द फर्स्ट एंड लीड पिटिशनर, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ कि जो 4:1 का जो रेशियो था मेजॉरिटी थे वो क्या कर दिए, कॉलेजियम सिस्टम को अपहेल कर दिए और स्ट्रक डाउन कर दिए किसको, NGAC को एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके। सो ये सारी क्रिटिक्स यहाँ पर डिस्कस की जाती है, जैसे कि मान लीजिए कॉलेजियम सिस्टम में जब ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम में आपको यहाँ पर नेपोटिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको उसमें बहुत सारी कमियाँ देखने को मिलेंगी, तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्रिटिक्स उत्पन्न होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में आप चाहे बोल सकते हैं जो इलीगल गुड्स हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना के जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रमोट हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, ऑफकोर्स मैं पूरा एडिटोरियल पढ़ रखा हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज से समझाने वाला हूँ। देख लीजिए आज के डेट में जो इंडिया का जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है ये क्या हो रहा है, ये डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है, ये डिक्लाइन होता जा रहा है सिंस जुलाई दिस ईयर, ओके। बट हम यहाँ पर देखेंगे कि इतना भी डिक्लाइन नहीं हो रहा है कि लोग मूव करें इंडियन मेड चीज़ों पे, ठीक है, इंडियन मेड चीज़ों पे नहीं मूव कर रहे हैं लोग, ठीक है। लोग ज़्यादातर परचेज करते हैं चीपर प्रोडक्ट्स, चाहे वो चाइना के हो चाहे वो कहीं के हो, ज़्यादातर चाइनीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपकी होलसेल इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। होलसेल इन्फ्लेशन रेट मतलब कि जो होलसेल मार्केट में जो इन्फ्लेशन है ना उसकी बात कर रहा हूँ। आप जो होलसेल मार्केट में जाते हैं, होलसेल मार्केट में जाके आप साड़ियाँ लेते हैं, जूते लेते हैं, आप अपने कोई भी नीड्स के जो सामान लेते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, बट इतना भी नहीं हो रहा है, अभी भी वो डबल डिजिट में है, ठीक है, अभी भी वो डबल डिजिट में है। जैसा कि हम जुलाई में 13.93% देखेंगे, तो इससे पहले वाला जो मंथ में था, ठीक है, वो कितना था, 12.40, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये अभी भी हाई है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लेस है, ठीक है। और अगर ये हाई है तो इसका मतलब कि हमारे जो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, आपको थोड़ा सा महंगे मिलेंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ मेड। यहाँ पर डायरेक्टली बताया नहीं गया, लेकिन हाँ चाइना की यहाँ पर जिक्र किया गया है कि चाइना हमारी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अंदर तक घुस चुका है, ठीक है, लोग बहुत ही ज़्यादा लेते भी हैं। ऑफकोर्स देखिए, मान लीजिए एक मैं सेलर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक डॉल देता हूँ मेड इन इंडिया, ठीक है, और यहाँ पर एक डॉल देता हूँ मेड इन चाइना, ठीक है, दोनों मैं इंपोर्ट करके मंगाया हूँ, ठीक है, इंडिया में ये खरीदा गया है, ये चाइना से इंपोर्ट किया गया है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके जो प्राइस होंगे आज के डेट में ड्यू टू सम रीजंस, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ अदर कारण, कुछ रीजंस से इसके इंडियन मेड प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है वो हाई है, ठीक है। चाइनीज में मेड जो प्रोडक्ट है इसके जो इस टॉय का जो प्राइस है ये क्या है, लो है। तो आप किसके तरफ मूव कीजिएगा, ऑफकोर्स दोनों दिखने में सेम है, भले क्वालिटी में अंतर हो, इंडियन मेड प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो और जो चाइनीज मेड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब हो, ठीक है, तो आप लीजिएगा किसको, भले ही ये क्वालिटी खराब है लेकिन भाई आप लीजिएगा इसी चीज को, क्यों, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा इजीली कॉस्ट में मिल रहा है, ठीक है, चीपर कॉस्ट में मिल रहा है एज कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीजें यहां पर इलीगल गुड्स को, इलिशिट गुड को क्या करती है, प्रमोट करती है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को समझने की ज़रूरत है कि क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है तो चीज़ें बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, या तो ले ही नहीं रहे हैं, या तो ले रहे हैं तो चीपर प्राइस में चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं जो दिवाली आता है, जब दिवाली आता है तो दीपावली में जब लाइट्स वगैरह लगाते हैं तो वो सारे लाइट्स कहाँ से आते हैं, ऑफकोर्स चाइना से, ज़्यादातर जो लाइट्स होंगे आपकी जो लड़ियाँ होंगी ये लगभग चाइना से इंपोर्ट होकर आती हैं, ठीक है, चाइनीज़ मेड लाइट्स हैं ये, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के, लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आपको चाइनीज मेड मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लोग परचेस करते हैं क्योंकि उनको अफोर्डेबल रहती है, चाहे, ठीक है, चाहे वो क्वालिटी में भले ही खराब क्यों ना हो, ठीक है। सो ये यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर एक किसको बर्थ करती है, इसको एक मिनेंस को जन्म देती है, मतलब कि एक बोल सकते हैं मिनेंस का मतलब होता है कि एक खतरे को बोल सकते हैं,
ठीक है, एक यहाँ पर आप बोल सकते हैं डेंजर को जन्म दे रहा है। डेंजर को कैसे जन्म दे रहा है? ऑफकोर्स ये स्मगल्ड किया जा रहा है इलीगल गुड्स की मार्केट, ठीक है में, ठीक है। तो देखिए इलीगल और स्मगलिंग यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये इंडियन की इंडियन इंडियन मार्केट है, इसको बहुत ही ज़्यादा लॉस पहुँचाने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और ऑफकोर्स इंडियन मार्केट को अगर लॉस हुआ तो इंडियन इकोनॉमी को भी आने वाले टाइम में लॉस होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फेडरेशन ऑफ इंडियंस इंडियाज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटर फिशिंग एक्टिविटी डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी, ठीक है, कैस्केड यहाँ पर एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है, ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्मगलिंग और इस सबसे डील करती है, इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ये देता है, ठीक है, ये एक बेस्ट डाटा देता है जो ये स्मगलिंग के रिगार्डिंग इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। ये क्या बताती है? ये बताती है जो इलिशिट मार्केट है, जो इलिशिट मार्केट है, इलीगल मार्केट है, इज थ्राइविंग इन 5 की इंडियन इंडस्ट्रीज एंड दीज इंक्लूड मोबाइल फोन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, FMCG, हाउस होल्ड पर्सनल गुड, FMCG पैक्ड फूड, टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके द्वारा बताया गया है। कैस्केड जो एजेंसी है, कैस्केड जो एक एजेंसी है जो ये सारी चीज़ें बताती है कि जो इलीगल मार्केट है वो लगभग इंडियन इंडस्ट्रीज में ये पाँच की में फैली हुई है, जैसा कि मोबाइल फ़ोन, चाइनीज़ मेड मोबाइल फ़ोन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की अगर मैं बात करूँ, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करूँ, ठीक है, पर्सनल गुड्स की मैं बात करूँ, या फिर आपको टोबैको या फिर फूड अल्कोहलिक बिहेवियर्स कंजम्पशन की बात करूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फैली हुई है, ओके। एंड द साइज ऑफ इलिशिट मार्केट, जो इलिशिट मार्केट हो गया या फिर इलीगल मार्केट का जो साइज़ है, ये बहुत बड़ा है इन दिस इंडस्ट्रीज, और इनके जो कॉस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,60,094 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला है 2019 एंड 2020, ठीक है। सो यहाँ पर ऑफकोर्स इंडिया एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट आई थी 2018, जिसमें इंडिया को रैंक किया गया था लो इन ग्लोबल इलिशिट ट्रेड इन्वॉल्वमेंट इंडेक्स में, ठीक है, और वहाँ पर बताया गया था कि इट नीड अ क्वांटिफिएबल एक्शन टू ब्रिंग डाउन द रिस्क ऑफ इलिशिट ट्रेड ऑन द इकोनॉमी, ठीक है, और यहाँ पर उनको एक रिकमेंडेशन भी दिया गया था दैट आपको एक क्वांटिफिएबल एक्शन लेने पड़ेंगे टू ब्रिंग डाउन द रिस्क ऑफ इलिसिट ट्रेड, इलिसिट नहीं बोलूंगा मैं ताकि आपके लिए ज़्यादा ये इलिसिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, इलीगल ट्रेड ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। सो यहाँ पर चार चीज़ों की बात की गई थी, वो चार चीज़ें कौन है? पहली तो गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, दूसरी सप्लाई एंड डिमांड, तीसरी कस्टम इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, तीसरी क्या है? कस्टम एंड इन्वॉल्वमेंट, ओके। इंडिया रैंक इट्स थर्ड क्वार्टाइल्स ऑफ द 82 कंट्री कवर द इंडेक्स, इट्स रैंक 35, ठीक है, इन ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेड के टर्म में, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी और ट्रेड के टर्म में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 35, ओके। नाउ इसकी वजह से क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज, जो कैस्केड रिपोर्ट में ये भी बताती है कि जो इंडस्ट्रीज इतनी हमारी उसमें हावी हो रखी है हमारी मार्केट में, और उसकी वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लॉस भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं, लगभग 68% जॉब लॉस हमें इन्हीं की वजह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों में जॉब की यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इसकी वजह से लॉस होता है, लगभग 58,521 करोड़ का हमेशा लगभग होता है हमेशा किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमें कुछ करने की जरूरत है, गवर्नमेंट नीड टू टेक सम एक्शन, ठीक है, वी नीड टू कम विथ रैशनलाइज टैक्स और वी हैव टू प्रमोट आर लोकल ब्रांड्स, ठीक है, तो लोकल ब्रांड को प्रमोट कीजिए, ठीक है, टैक्सेस को रैशनलाइज कीजिए, यहां पर ऑथर के द्वारा ये सारी चीजें कहा गया है, ओके। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, अगर यहाँ पर हमें इस स्मगलिंग या फिर इलीगल जो एक्टिविटी हो रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसको हमें अगर रोकना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो ऑथर के द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, दैट इफ द गवर्नमेंट कीप टैक्सेस रैशनलाइज इन द कैटेगरी वेयर द स्मगलिंग इज हाई, ठीक है, जहाँ पर स्मगलिंग बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रही है, वहाँ पर क्या करें, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने जो टैक्सेस हैं उसको रैशनलाइज कर दें, ठीक है, गवर्नमेंट अपने जो टैक्सेस है उसको रैशनलाइज कर दें इन द कैटेगरी वेयर स्मगलिंग इज हाई, सो एज टू गिव लेसर कॉस्ट आर्बिट्रेज इंसेंटिव्स टू द स्मगलर एज वेल एज एग्रेसिवली प्रमोट लोकल इंडस्ट्री टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास ब्रांड एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इससे क्या होगा, अब ये हमारी कंट्री में आ जाएंगे, ठीक है, अब ऑफकोर्स यहाँ पर जब गवर्नमेंट ने अपने जो टैक्सेस है उसको रैशनलाइज कर देंगे तो यहाँ पर वो आप उससे लेंगे नहीं, ठीक है, और लोकल जो ब्रांड है उसको क्या करेंगे,
प्रमोट करेंगे, ठीक है। दिस वुड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और ये क्या कर देंगे, जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग है इसकी जो डिपेंडेंस है इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देयर इज अ कॉमन थ्रेड इन बोथ केस, द नीड ऑफ सपोर्ट लोकल इंडस्ट्री बाय द रैशनलाइजिंग टैक्सेस एंड प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू द लोकल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात की गई है और यहाँ पर एक लोकल सपोर्ट की बात की गई है बाय द रैशनलाइजिंग taxes, ठीक है, so that they can make world class goods that compete with global brands in India as well as in the global market, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही world class good की बात की गई है जो कि इंडिया में ही बनाया जा सकता है और globally इसको export भी किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें क्या है, taxes को rationalize करना पड़ेगा, ठीक है, अपने जो products है उसको क्या करना पड़ेगा, promote करना पड़ेगा, ठीक है। और smuggling को रोकने के लिए of course government को taxes rationalize करने की ज़रूरत है, यहाँ पर smuggling बहुत ही ज़्यादा high होता है, okay? सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें वर्ल्ड क्लास ब्रांड प्रोडक्ट को प्रमोट करना है हमारी कंट्री में, ठीक है। ये सब देखिए, ये जो सारी चीजें हैं वो अगर एक्सपोर्ट करके या स्मगल करके या फिर जो भी चीजें कहें हम लेकर आते हैं इंडिया में, ठीक है, और इंडिया में ही मान लीजिए कोई चाइनीज मेड कंपनी है, वैसे ज्यादातर तो नहीं है, बहुत कमी है, तो वो सब क्या करती है, हमारे जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ इनिशिएटिव्स हैं उसको क्या करती है, हैम्पर करती है, ठीक है, उसको क्या करती है, हैम्पर करती है, ओके। सेल्फ रिलायंट भारत या फिर आत्मनिर्भर एजेंडा है ना, ये सारी चीज़ों को हैम्पर करती हुई दिखती है, ओके। सो लोगों में जागरूकता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आप ट्रस्ट कीजिए मेड इन इंडिया, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पे आप ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। थोड़े से आपको प्राइस महंगे मिलेंगे बट क्वालिटी अमाउंट में आपको चीज़ें मिलेंगी, ओके। सो होप यू गॉट अंडरस्टैंड, होप यू गॉट क्लैरिटी ओवर हेयर, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन गाइज, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर एक चोला अंपायर के बारे में डिस्कस किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। साउथ में एक बहुत ही मैं बोल सकता हूँ एक लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है, ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी, और आप सबने एनसीईआरटी में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है। इसका जो सोर्स है मैं आपको थोड़ा सा चोला एम्पायर के बारे में बता देता हूँ, बहुत ही अमेजिंग है ये, बहुत, ठीक है। तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा नॉलेज है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अपनी नॉलेज को शेयर करता हूँ, ठीक है। हमें चोला अंपायर के बारे में कहाँ से पता चलता है, लगभग हम देखेंगे तो संगम लिटरेचर से हमें पता चलता है, ठीक है। हमें कहाँ से, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर, ठीक है। तो हमें यहाँ से लगभग चोला अंपायर के बारे में सारी चीज़ें पता चलता है, ठीक है। इसका कैपिटल क्या हुआ करता था, या तो कुहार, ठीक है, इसका कैपिटल या तो कुहार या तो कावेरी पत्तम, ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कावेरी पत्तम, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था चोला, ठीक है, पुहार, ठीक है। चोला अंपायर बहुत सारे बैटल में इन्वॉल्व थी, ठीक है, और इसके एम्बलम लिख लीजिएगा, एम्बलम टाइगर, ठीक है, टाइगर इसका एम्बलम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स भी थे इसके जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे, जैसे करिकला हो गया, ठीक है, करिकला इंपॉर्टेंट एक रूलर था, ठीक है, करिकला लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था, ठीक है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, ठीक है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, जिसको बोला जाता था ना मैन विथ चार्ज लेग, ठीक है, इसके जो एक पैर थे ना वो जले हुए थे, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी ने फाउंड किया था पुहर को कावेरी पत्तम जो हो सकता है इसका जो कैपिटल है, इसको इसी ने फाउंड किया था, करिकला ने, ओके। और इट ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड लगभग 160 किलोमीटर का इम्बैकमेंट बनाया था ओवर कावेरी रिवर, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, विद द हेल्प ऑफ 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स, ठीक है, तो 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स के साथ मिलकर इन्होंने 160 किलोमीटर का एक इम्बैकमेंट बनाया था, कहाँ पर, ये कावेरी रिवर के ऊपर, ठीक है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको मेंटेन कौन करता था, ये जो कावेरी रिवर है, ये जो इम्बैकमेंट इन्होंने बनाया गया था, इसको नेवी मेंटेन करती थी, ठीक है, इनको नेवी मेंटेन करती थी, बहुत सारे बैटल में इन्वॉल्व थी, ठीक है, चोला एम्पायर बहुत सारे बैटल में इन्वॉल्व थी, चाहे वो चेराज के साथ हो गए, चाहे वो पांड्यास के साथ हो गए, बाद में बहुत सारी इसकी कहानियाँ हैं, ठीक है, बाद में जाकर क्या होते हैं कि ये मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक नई डायनेस्टी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी, चोला एम्पायर के बारे में जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं आपको, हो सके वो याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके लिए, ओके। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी था ये साउथ इंडिया, ठीक है, बहुत सारी डेवलपमेंट थी साउथ इंडिया में, ये चोला एम्पायर
ऑफकोर्स हमें आपको देखने को मिलेंगे। और जब नॉर्थ में आपको पता है, देखिए हमारा जो नीचे जो साउथ का जो पार्ट है ये पेनिनसुलर है, ठीक है, ऑफकोर्स ये पेनिनसुलर है। और जो जब चोलार एम्पायर उस पर रूल कर रहे थे ना, चोला जब रूल कर रहे थे तो नॉर्थ में बहुत ही अलग अलग वहाँ पर चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो ये सब आपको जानने की ज़रूरत है। थोड़ा हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफकोर्स बुक्स में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री हमारा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैं ट्वेल्थ में भी हिस्ट्री में था, आर्ट्स से था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता था मेरे को। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर और कुछ नहीं है। हाँ, इंडिया और यूके के रिगार्डिंग जो ट्रेड पैक डील साइन होने वाली थी, ठीक है, अभी इसमें डिले देखने को मिलेगा। हो सकता है ये दिवाली से पहले नहीं, अर्ली नवंबर में हो, ठीक है। यहाँ पर ये नोटिफाई किया गया है कि जो ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन होने वाला था, FTA जो साइन होने वाला था, वो दिवाली से पहले शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये हो सकता है कि नवंबर आपको, फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आपको देखने को मिले, ठीक है। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए तो ये क्या होगा, बेटर होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। आफ्टर इंस्पेक्शन द गवर्नमेंट स्टॉप्स मेडन फार्मा यूनिट फ्रॉम मेकिंग ड्रग्स, ठीक है। आपको पता है कि गैम्बिया में जो इंसिडेंट हुआ है, जिसमें पाया गया है कि WHO ने बोला है कि जो आपकी एक मेडन फार्मा कंपनी है इंडिया की, वो क्या कि मेडिसिन एक्सपोर्ट की किसको, गैम्बिया को, ठीक है। गैम्बिया को इन्होंने मेडिसिन दिया, और उन्होंने कफ सिरप में क्या पाया, उन्होंने कफ सिरप में कुछ पाया, ठीक है, कफ सिरप में कुछ पाया, जैसे कि यहाँ पर डेटलिन ग्लाइकोन और इथिलीन ग्लाइकोन का यहाँ पर चीज़ें पाई गई है उस प्रोडक्ट में, और उसकी वजह से क्या हुआ, लगभग 50 से 60 बच्चों की जाने चली गई, ठीक है, जान चली गई। ओके, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर WHO ने डायरेक्ट किया है इंडिया को कि आप इसके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लीजिए। तो इंडिया ने एक्शन लिया है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, और मेड इन फार्मा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसको क्या कर दिया, इन्होंने बैन कर दिया, ठीक है, इनको बैन कर दिया। एक कफ सिरप को ये बनाती थी, और इस कफ सिरप की वजह से बच्चों की जाने चली गई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। और ऐसी भी रिपोर्ट्स क्लेम करती है कि ये ओनली जो सिरप्स थे ये सिर्फ गैम्बिया को एक्सपोर्ट किए जाते थे, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, ठीक है, मैं अपने उसमें नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। ओके, तो ये किस, या जो कफ सिरप था उसमें क्या पाया गया है, ये डायप्थीन ग्लाइकोन या फिर इथिलीन ग्लाइकोन यहाँ पर पाया गया है, ये WHO ने क्लेम किया है। नेवी का MiG-29 की क्रैश कर गया, हालांकि पायलट एग्जैक्टली आउट हो गया, ठीक है, सेफली उसको बचाया जा सका, ठीक है। ये MiG-29 हम किससे परचेज कर रहे हैं आपको पता होगा, रशिया से परचेज कर रहे हैं, और इंडिया अभी 45 MiG-29 अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विथ रशिया, ठीक है। और ये एक्चुअली जो इंसिडेंट हुआ है ये गोवा में हुआ है, ठीक है, और कुछ टेक्निकल माल फंक्शनिंग के कारण ये प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया एयरक्राफ्ट कैरियर पे, और ये क्या हो गया, क्रैश कर गया, और इसकी वजह से अभी देखेंगे लॉसेस तो ऑफकोर्स हुए हैं, ओके, बट जान बच गई है, ठीक है, जो पायलट है उसकी जान बच गई है। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे वॉज ऑब्जर्व ऑन वेनसडे टू जनरेट अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथ कंजर्वेशन एफर्ट्स अराउंड द यूनिक बियर स्पीसीज एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगेन, पहला वर्ल्ड स्लॉट बियर डे ऑब्जर्व किया गया वेनसडे के दिन, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस को फैलाया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट्स अराउंड द यूनिक बियर स्पीसीज एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो आप बियर देख रहे हैं ना, स्लॉट बियर है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, विद वेरी स्मॉल पॉपुलेशन इन नेपाल एंड श्रीलंका। ओके, ये IUCN के रेड लिस्ट में है, ये IUCN के जो रेड लिस्ट है इसमें एज अ वनरेबल क्लासीफाइड किया गया है, ठीक है, IUCN जो रेड लिस्ट है उसमें वनरेबल क्लासीफाइड किया गया है, एंड लगभग जो 90% ऑफ जो इनकी जो पॉपुलेशन है स्लॉथ बियर की वो इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, और कुछ स्मॉल पॉपुलेशन हैं इनकी वो नेपाल और श्रीलंका में पाई जाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें बताई गई है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 में एक्चुअली इसको लिस्ट वन में, इसको शेड्यूल वन में इसको डाला गया है, ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पीसीज हैज सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर राइनोसोर्स एंड एलिफेंट हैव, ठीक है, तो इस स्पीसीज को भी सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जैसा टाइगर राइनोज और एलिफेंट्स को मिलता है, ठीक है। स्लॉथ बियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंडेमिक है, ठीक है, एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, 90% ऑफ पॉपुलेशन इसकी पाई जाती है इन इंडिया। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बेफिक्र आप मेरे साथ आगे बढ़ते चलिए।
नंबर भी नहीं है. ओके सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस. अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, आपको वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.